आज हम बात करेंगे म्यूटेशन की। अब म्यूटेशन में, म्यूटेशन क्या होते हैं? म्यूटेशन मीन्स सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जीनोम। कोई भी चेंज जो डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, हम उसे कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ वेराइटी। अगर म्यूटेशन ना हो तो वेरिएशंस नहीं मिलेंगे हमें। हम कहते हैं कि किसी भी जीन के, कोई भी एक जीन है, उसके डिफरेंट अलील्स मिलते हैं। तो ये जो जीन से डिफरेंट अलील्स बने हैं, ये म्यूटेशन की वजह से ही बने हैं। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स नहीं मिलती, अलील्स नहीं मिलती, तो वेराइटी नहीं मिलती, यानी कि इवोल्यूशन नहीं होता। तो म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अब हमें पता है कि जो डीएनए है उसके अंदर ए, टी, जी और सी, यानी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये फोर नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो बेस पेयरिंग होती है आपस में, ए हमेशा टी के साथ बेस पेयरिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जी हमेशा सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसी कॉम्बिनेशन से डीएनए का डुप्लेक्स बनता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी भी वजह से ए टी की बजाय सी से बॉन्डिंग कर ले और जी टी से कर ले, तो ये एक तरह का म्यूटेशन कॉज करता है, जिसे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन कहते हैं। देखिए कैसे होता है ये। डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं उनमें इनकी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें थायमिन की, तो थायमिन की कीटो फॉर्म पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2,4-ऑक्सो, 2,4-डाइऑक्सो-5-मिथाइल प्रेजेंट है। ये कीटो फॉर्म है और इसमें एक टोटोमेरिक शिफ्ट होता है और ये एच आयन इस ऑक्सीजन ग्रुप पर जुड़ जाता है और यहाँ OH बन जाता है। ये हालांकि रेयर फॉर्म होती है, लेकिन ये चलता रहता है, ये एक्सचेंज हो सकता है। तो थायमिन की कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसे ही जो साइटोसिन है, इसकी अमीनो फॉर्म, जो अमीनो ग्रुप है, ये इमीनो ग्रुप में चेंज होता है। और एडिनिन 6-अमीनोप्यूरिन, जिसको हम बोलते हैं, 6 नंबर पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, ये भी इमीनो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट। वैसे ही ग्वानिन जो है, ग्वानिन की कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी कि यहाँ का जो एच आयन है वो इस ओ पर अटैच हो जाता है। और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो नेचर में चलता रहता है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट ये बढ़ता है कि जो जनरल हम पढ़ते हैं कि ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ बेस पेयरिंग करता है, वो एक्सचेंज हो जाता है। और ये जो टोटोमेरिक कंडीशन है, इसमें ये ए सी के साथ और जी टी के साथ पेयरिंग कर लेता है, और इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? इस डायग्राम में देखिए आप कि ये जो साइटोसिन है, इसकी जनरली एमिनो फॉर्म होती है, लेकिन ये इमिनो फॉर्म जो है साइटोसिन की, वो इस एडिनिन मॉलिक्यूल से बेस पेयरिंग कर रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। हमें पता है सी हमेशा जी के साथ बेस पेयरिंग करता है, लेकिन यहां पर ये जी ए के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है। वैसे ही थायमिन, हमें पता है कि थायमिन जो है वो एडिनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, लेकिन यहां पर इसकी जो कीटो फॉर्म है वो ग्वानिन की इनोल फॉर्म, रेयर इनोल फॉर्म के साथ में बेस पेयरिंग कर रहा है और जीटी बेस पेयरिंग हो रही है, और इसकी वजह से ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन हो जाते हैं। देखिए जैसे कि ये एक आपको डीएनए की स्ट्रक्चर दे रखी है,
जिसमें ये सीक्वेंस दे रखा है ए सी जी टी सी टी जी सी ए और जी। अब यहां पर इसको हाईलाइट किया है जी और सी को। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो दो स्ट्रैंड बने और इनके कॉम्प्लीमेंटेशन बने। अब यदि यहां पर जो जी प्रेजेंट है इसमें टोटोमेरिक शिफ्ट हो गया और ये इनऑल फॉर्म में चेंज हो गया, तो हमें पता है जी नॉर्मली सी के साथ बेस पेयरिंग करता है, लेकिन चूंकि यहां पर ये इसकी इनऑल फॉर्म में प्रेजेंट है तो सामने जो डॉटर डीएनए आएगा उसमें यहां पर टी आ जाएगा, यहां पर टी बन जाएगा। नीचे वाला स्ट्रैंड नॉर्मल बनेगा तो यहां इस स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड बना है यहां पर जी के सामने टी आया हुआ है। और अगर नेक्स्ट जनरेशन में जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये जी अब वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला गया तो ये तो सी से बेस पेयरिंग कर लेगा, लेकिन यहां पर चूंकि टी आया हुआ है तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इस टी के सामने ए आएगा। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, जी और सी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ए और टी है तो इसे जी सी से ए टी ट्रांजिशन कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ये म्यूटेंट क्रिएट हो जाता है और टोटोमेरी शिफ्ट की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है।